पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे कोरोना की। कोरोना के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। चीन की काफ़ी चर्चा है। वहाँ पर जो है एहतियातन अपने देश में मास्क लगाने की बात की जा रही है। और इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौबे हैं, जो कि शंघाई के अस्पताल में काम करते हैं पिछले 10 सालों से, और उनका आना जाना लगा रहता है वहाँ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है जो सब जानना चाहते हैं, आप लगातार आते जाते रहते हैं, वहाँ काम करते हैं आप, वहाँ की स्थिति के बारे में आपको क्या जानकारी है जो तस्वीर यहाँ पे भारत में दी जा रही है चीन के बारे में? देखिए, शंघाई में मेरा जो है कार्य क्षेत्र है, तो मैं बाकी प्रोविंस के बारे में भी जाते रहता हूँ, इंटरनल ट्रैवलिंग भी करता हूँ। तो उसमें यही है कि अभी जो उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो शंघाई का है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे या प्रोविंस के इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, तो उधर जो है हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतनी अच्छी नहीं है। वो नॉर्मली केस रेफर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे भी कोई केस बिहार हो गया, MP हो गया, वहां से लोग रेफर करते हैं एम्स के लिए, मुंबई के लिए या किसी बड़े शहर के लिए। उसी तरह से शंघाई एक जगह है, या सिंजेन या ग्वांगजो जो इनका इकोनॉमिक हब है, जहां जहां पे इनके स्ट्रांग इकोनॉमिक हब है वहां वहां पे उनका स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ के। तो अभी शंघाई में जो हालत है वो यही है कि थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन है, और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो थोड़ा सा कोलैप्स होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो स्टाफ है वो सारे पॉजिटिव है और उसमें भी वो काम कर रहे हैं, प्लस पॉजिटिव पेशेंट्स, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको भी हैंडल करना है। तो छोटे मोटे केसेस को तो वो प्रायोरिटी में ले ही नहीं रहे हैं, सिर्फ सीरियस केसेस को ले रहे हैं, जिसमें उसको भी वो ठीक से अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी जो है उतना वर्कलोड और पीपल लोड, पेशेंट का लोड इतना बढ़ गया है कि इसके लिए वो प्रिपेयर थे नहीं, कितना भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका आपके कहने का मतलब जो मैंने समझा कि ये है कि वहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका असर पड़ रहा है, और आपने कहा कि छोटे मोटे केसेज वो ले नहीं रहे हैं, केवल सीरियस केसेज ले रहे हैं। तो ये यदि एस्केलेट करता है तो और कितना दबाव पड़ सकता है उनके जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे? देखिए, ये अभी एस्केलेट करेगा, क्योंकि अभी कुछ एक महीने बाद जो है चाइनीज न्यू ईयर आ जाएगा, और जिसमें अभी उससे पहले से ही जो है इंटरस्टेट ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है, और वो चाइनीज न्यू ईयर के बाद आते हैं, तो वो वहां से भी फैलाने के बाद ये अभी आने वाले मार्च तक ये पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि ये कितना एक्सक्लेट करता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है 20% पॉपुलेशन एक नियर टू द सी शोर के आसपास में ही रहती है, और थोड़ा सा और डीप में, और मेजोरिटी ऑफ द वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और वहां पे अपार्टमेंट सिस्टम वगैरह ज्यादा है, और अपार्टमेंट सोसाइटीज में अगर एक किसी को हुआ तो स्प्रेड होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं, तो वो इंटरेक्ट बहुत क्विकली लोग होते हैं, और 1:16 का रेशियो है, तो फिर 16 टू मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 16। तो ये रेशियो से जो है अब ये डिपेंड करता है कि कोई सीरियस केस कन्वर्जन होता है तो उसमें जो है वो लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, बट फिलहाल तो अभी कुछ मतलब जिस हिसाब से लोग पैनिक हैं और जिस हिसाब से लोगों का सिचुएशन वहां पे पहले से कुछ बीमारियां थी वो लोग और ज्यादा सीरियस हो गए हैं, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि, आ, आ, कि, कि आपको जो खबरें मिल रही हैं, आप जिन जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग जो है चीन में इससे रोगग्रस्त होंगे, तो उसको देखते हुए क्या जो बातें कही जा रही है बाकी दुनिया में प्रिकॉशन लेने की, वो कितना जरूरी हो गया है? देखिए, हमें दूसरों से पहले ही वही मैं कहना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी इस महामारी को 2021 में झेल चुके हैं बहुत बुरी तरह से, और हमने इसका भयावह रूप भी देखा है, तो हमें पहले से ही अलर्टनेस की जरूरत है। हम अलर्ट रहें अपने आंख कान और जो है पूरे सारे सेंसेस से पूरे वर्ल्ड को वॉच करें, और न हो सके तो जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे वो सी रूट हो या फिर एयर रूट हो, दोनों वो दोनों जगह पे थोड़ा सा भी सावधानी रखने की जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि ट्रैवल वगैरह जो है अवॉइड करें, और इंटरमिक्सिंग को जो है वो बाहर से कोई चीज ना लाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा।
और गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज पे काम कर ही रही है कि सर्विलेंस उन्होंने बढ़ा दिया एयरपोर्ट पे और शिपिंग पोर्ट पे, तो ये अच्छा मूव है, लेकिन डेफिनेटली हमें अलर्टनेस और जो प्रिकॉशन है वो दोनों चीज जो है बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी अभी इंडिया का चाइना से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं मुझसे ज्यादा, तो लेकिन फिर भी हम उनको आने से किस ढंग से रोक सकते हैं, क्योंकि कई जगह से आ सकते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, बाकी कंट्री से, सिंगापुर, हांगकांग, बाकी जगह से तो आ ही सकते हैं। नहीं, वो तो पासपोर्ट पे अगर है, चाइनीज पासपोर्ट है, तो उसमें डेफिनेटली आप तो डिप्लोमा जो एमईए है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो तो देख ही रहे होंगे, एडवाइजरी का कुछ अगर इशू की गई होगी तो उनकी तरफ से की गई होगी कि अभी फिलहाल के लिए वो दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल, तो वहां से जो है ये तो मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मैटर हो जाता है, इसमें मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। जो 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 हम यदि एक बार फिर से चाइना की बात करें, तो जो चाइना की स्थिति है उससे जो पैनिक, क्या पैनिक वाली स्थिति क्या वहां है, और क्या उससे हमें भी पैनिक करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि एक लोगों के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड जो है वो हमारे दिमाग में है, जो हमने झेला है, जो पब्लिक ने झेला है उसको लेकर के, तो क्या ये रियल पिक्चर क्या हो सकती है वहां पे? देखिए ये है कि सबसे पहले तो 2020 में चाइना में वुहान से शुरू हुआ था और वो पूरा आउटब्रस्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में, और ये जो माइंडसेट हमारे सबके जहन में बना हुआ है कि वो वहीं से जो है इसका ओरिजिन है, और अब वहां पे भयावह रूप ले लिया है, तो वहां से कहां कहां जाएगा, क्योंकि वहां से और जगह की कनेक्टिविटी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, आप लैटिन अमेरिका हो, यूएस हो, एशियन साइड में हो, या फिर आपका जापान साइड या साउथ ईस्ट जो भी है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वहां पे फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, और जो उसको ओपन कर दिया गया है, तो लोगों को डर है कि वो जो लोग वहां से फ्लाई फ्लाई करके मूव कर रहे हो, कि अभी एक चाइना में और प्रॉब्लम है कि लोग वहां से मास एग्जोडस जिसको बोलते हैं कि लोग निकल रहे हैं भारी मात्रा में डर के मारे, तो एक वो एक करियर हो सकते हैं जो बाहर के कंट्रियों में जाकर इसको स्प्रेड आउट करें, और अगर ये जीन म्यूटेट हो जाता है और जो वैक्सीन बनी है ठीक है वो इफेक्टिवली काम कर रही है, लेकिन उतनी उसकी एफिकेसी नहीं रह जाती है जितना होना चाहिए, तो उसमें हम लोगों को चिंताजनक बात है, इसलिए हमें अपने जो अलर्टनेस की बहुत जरूरत है और साथ में प्रिकॉशंस की भी जरूरत है। एक सवाल जो, जी एक सवाल जो लोगों के जहन में बार बार है, और आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, कि बार बार चाइना का ही क्यों, चाइना में ही क्यों, पिछले बार भी चाइना, इस बार भी चाइना, मतलब क्या वजह हो सकती है? देखिए उनकी फूड हैबिट थोड़ी सी अजीबो गरीब है, तो पहले बैट सूप जो है उससे काफी फेमस है उसमें, जबकि वो एक जूनोटिक एनिमल है जो उसमें से जो निकल कर उसका वायरस, वैसे तो वायरस सभी एनिमल्स में होते हैं, और लेकिन वहां पे जो फूड हैबिट वगैरह है उसका एक वन कल्चर है। दूसरा चाइना में एक और जो सेकंड क्यों हुआ इस बार, वो इसलिए हुआ कि इन्होंने सोचा कि हम सबको वैक्सीनेट कर देते हैं, कर देंगे, इससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और अगर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो हम अगर एक्सपोज भी करते हैं या ओपन भी करते हैं कंट्री को तो झेल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो इसमें उनका जो स्पेकुलेशन और जो प्रेडिक्शन था वो फेल हो गया, और ऊपर से 2-3 साल से इस माइंडसेट में लोग जी रहे थे कि यहाँ पे सब वैक्सीनेटेड है, कोविड नहीं होगा, लॉकडाउन है, और सडन जब इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जब ये फैलना शुरू हो गया तो पैनिकिंग और केओस मचना शुरू हो गया। अब बाकी देश आपको लगता है कि क्या हम फर्स्ट मूवर हैं, या हम ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, बाकी देशों से ये चीज सुनाई नहीं दे रही है कि जितना अपने देश में इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है चाइना को लेकर के? देखिए हमारे यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है भारत में, बाहर के देशों में जो उनकी आबादी है मोर और लेस फिक्स ही रहती है, 30 करोड़ आबादी जो है आपकी यूएस की है, जो मतलब कई सालों से मेंटेन किया हुआ है, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन की जो मेन इशू है कि काफी हम लोग क्लोज रहते हैं, और दूसरा है कि हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह और मास्किंग वगैरह हम विद द टाइम बहुत इजीली भूल जाते हैं, तो हमें सिर्फ अलर्ट करने के लिए लोगों की जरूरत है कि वो अलर्टनेस जो है आप अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीकेंड पे जो है 2 दिन कोरोना आएगा, वो हर दिन आएगा और हर समय आएगा, तो आप सिर्फ अलर्ट रहिए, अपने आप को प्रिकॉशन में आप अलर्ट के साथ खुद को प्रोटेक्ट कीजिए और दूसरे को भी प्रोटेक्ट कीजिए, एक दूसरे के बारे में जब सोचने लगेंगे
तो डेफिनेटली हम इस आपदा अगर आ भी जाती है इन केस, तो कम से कम हम इससे बच के निकल जाएंगे, और अगर नहीं आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है, हैबिट तो डाल दिया हमने। एक अंतिम का सवाल है डॉक्टर साहब, चलते चलते, जो जो फुली वैक्सीनेटेड है, जिन्होंने बूस्टर भी ले रखा है, उनके लिए, और हमारे यहाँ भी आपने कहा चाइनीज न्यू ईयर आता है, बहुत गैदरिंग वहाँ भी बड़े जोर से मनाया जाता है, अपने यहाँ भी क्रिसमस के साथ ही फेस्टिव सीजन, छुट्टियों का दिन शुरू हो जाएगा, लोग बाहर जाते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि अगर हो सके तो अननेसेसरी ट्रैवल अगर जरूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करें, और जिनको ट्रैवल करना है ठीक है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उनकी अपनी वैक्सीनेशन पूरी थर्ड बूस्टर डोज तक ले लें, और उसके अलावा जो है जो कोविड प्रिकॉशनरी जो जो सामान होता है, मास्किंग, हैंड सैनिटाइजर और ये सारी चीजें, वो सब चीजें ले लें। उससे जो है आपको मतलब ये है कि बेसिकली मोर ऑफ प्रिकॉशन ये सब चीजें लेकर ट्रेवल करें, अगर नहीं हो सके तो ट्रेवल ना करें, ज्यादा बेहतर, अवॉइड करें, ओवरक्राउडिंग को अवॉइड करें, दैट इज बेटर। एक अंतिम सवाल मेरे मन में आ रहा, क्या चाइना से बहुत ज्यादा डरने की अब जरूरत आ गई है? क्या सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है? चाइना में सिचुएशन अलार्मिंग है, तो चाइनीज पीपल वो खुद वहां से निकल रहे हैं और जहां जहां जा रहे हैं वो फैलाएंगे, तो वो म्यूटेशन का चांस एक है, तो हमें फिलहाल के लिए जो है मतलब इसीलिए मैंने कहा कि हम ठीक है, हम बाकी को नहीं रोक सकते, अपने आप को तो रोक सकते हैं ना, तो हम खुद अपनी ओर से प्रिकॉशन ले लें कि हम नहीं मूव करते हैं, जी हमको जरूरत नहीं इंटरमिक्स होने के लिए, इस साल नहीं जाएंगे अगले साल जाएंगे। चलिए, सही कहा जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर संजीव चौबे थे हमारे साथ, चाइना में काम करते हैं वहाँ के हॉस्पिटल्स में, और वो जानकारी दे रहे थे चाइना में क्या स्थिति है कोरोना की।